अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्लाह का करम शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है काफ़ी लेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने पार्टी पे भेजा, फिर उसके बाद मैंने ऑयलिंग की भी थी तो शावर लिया, तो उसके बाद ये देखिए बाल अब काफ़ी हद तक हो गए हैं ड्राई। तो मैं सब क्लीनिंग का काम कम्प्लीट कर लिया और जी ये अब बच्चों का नाश्ता बनाने लगी हूँ, जो कि ब्रेड के साथ वो लेंगे, चाय और ब्रेड। हस्बैंड ने पराठा लिया और ये इस्मा अपने बाबा के साथ नाश्ता कर रही है। ये देखिए जी, रात का सालन है, पराठा और ब्रेड, और ये माहा चाय के साथ ब्रेड ले रही है। माहा काफ़ी तैयार हो गई है तकरीबन, और ये रज़ा के लिए ब्रेड गरम कर लिए, बस अब चाय डाल के रज़ा को नाश्ता देते हैं। नाश्ते से फारिग हो गए हैं बच्चे, अब इसके बाद पार्टी पे जाना है स्कूल में, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। माहा इधर आओ, ये देखिए जी माहा कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी, ये देखिए जी माहा कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। ये देखें जी माहा जो है वो पार्टी पे जाने के लिए प्रिपेयर हो गई है, और माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, ये देखें। अच्छा, अब इस टाइम मैं छत पे जा रही हूँ और छत पे बैठ के ये देखें सब्जी की कटिंग करूँगी, और साथ थोड़ा धूप भी हो जाएगी, तो आपको पता सर्दियों में धूप में बैठने का एक अपना ही मज़ा होता है, कोशिश करके टाइम निकाल ही लेते हैं कि ऊपर बैठें धूप में। अच्छा जी, यहाँ पे अब इस टाइम मैं छत पे आ गई हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ। रज़ा रुमैसा तो वैसे ही डेली जो है ना ऊपर धूप में आ जाते हैं, और बस मुझे भी अच्छा लगता है, क्या फ़ायदा नीचे ठंड में बैठे रहते हैं, ठीक है बेहतर है छत पे रहें, तो गरम गरम मौसम है और धूप है, तो चलें मैं बैठ के अब सब्ज़ी कटिंग करती हूँ। जी ये यहाँ पर मैंने गोभी की ये देखें कटिंग कर ली है, और दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा नीचे जाने का, कि ये देखें कितना मज़े का मौसम हुआ हुआ, धूप गरम गरम, लेकिन ये है कि मैंने सालन बना तो फिर तो नीचे जाना पड़ेगा। जी ये मैंने गोभी का सालन बना लिया है, और ये देखें और ये सालन तैयार हो गया। अच्छा, इस टाइम इतनी मज़े की गरम गरम धूप है कि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, लेकिन धूप बहुत ज़बरदस्त होती है इस टाइम में, बस सुकून आता है, मज़ा आता है इस टाइम छत। ये देखें जी, आज मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो प्लांट हैं जो मुझसे कभी भी पौधे नहीं, पता नहीं क्या वजह है, मुझसे क्या मिस्टेक होती है, मुझसे बनते ही नहीं है, जब भी लगाती हूँ तो वो बड़े ही नहीं होते पौधे, तो ये देखें ये माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको पता है विंटर है तो इसमें जो है ना ये ड्राई ही रहते हैं ऐसे, जैसे उदास उदास हैं, ये देख। अच्छा, ये मैंने प्याज जो है ना वो लगाया, आप देखते हैं ये निकलता है कि नहीं, और ये जो था यहाँ पे ये बिल्कुल चिड़ियों ने सारा ही खा लिया, ख़त्म हो गया तकरीबन, ज़रा ज़रा ही है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है ये अजवाइन के मैंने इसमें लगाए थे बीज। अच्छा, मुझसे प्लांट पता नहीं क्यों बड़े ही नहीं होते, लगते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं पौधे, और मुझे पसंद उतने ही बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए मैंने कितना अच्छा घर की क्लीनिंग की है, फिर मॉप लगाया उसके बाद, ये रज़ा और रुमैसा कितने मैले हुए हैं दोनों, बस अभी पानी गर्म होता है तो मैं इनको नहलाती हूँ। ये देखिए जी, ये देखें किचन भी तकरीबन क्लीन है, बस अब पानी रखा है मैंने और बर्तन सारे वॉश किए हुए। अच्छा, ये काउंटर क्लियर हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है, वरना तो ऐसे लगता है बर्तन धोके भी लगता है किचन क्लीन ही नहीं है जब तक चीज़ें सिमेटी ना जाएं। यहाँ पे मैं फ़ोन चार्ज करती हूँ, इस वजह से इसको यहीं पर लगा देती हूँ। और ये देखें जी, ये वाला रूम भी आज मैंने अच्छी तरह क्लीन किया है, इसकी डस्टिंग की थी, ये देखें। अब आज मैंने फ्रिज धोई है तो कल इंशाल्लाह मैंने ये वाली चेयर्स धोनी है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो स्टार्टिंग में मैंने चेयर्स जो है ना वो धोई थी, तो बस स्टेन लग जाता है, लाइट कलर की है ना चेयर, देखिए इसका शेड ऐसा है कि इसके ऊपर ये देखिए प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं दाग, और ये रिंग लाइट जो कि टूटी हुई है
काफ़ी हद तक इसको बेहतर करने की कोशिश की है कि चले किसी टाइम वीडियो बनानी हो तो इस पर ईज़िली शूट कर सकते हैं। और बस अब ये वाला रूम सबसे ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि अभी मैंने अलमारी भी साफ़ नहीं की, ये भी करूँगी, टाइम नहीं मिल रहा होता। एक तो एक्स्ट्रा काम के लिए ना आपको पता है टाइम चाहिए होता है तो वो नहीं मिल रहा होता। ये देखिए ये रज़ा और मैसा के काम है।